आजाद न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आजाद न्यूज एक्सप्रेस टीम की ओर से ईद मिलादुन नबी की तमाम आलम इस्लाम को पुरखलुस मुबारकबाद। आज 19 अक्टूबर 2021 को ईद मिलादुन नबी के मौके पर दावत इस्लामी के एक डिपार्टमेंट गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन शेगांव की ओर से गरीब बेसहारा बेघर लाचार लोगों को खाना तकसीम किया गया। इस मौके पर मौलाना साबित अली खान, मौलाना साहिल रजा, एजाज कादरी, सैयद आफाक सर, सोहेल अत्तारी, तोहिद रजा, जुनेद रजा, अरशद अत्तारी और गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के सभी लोग वहां मौजूद थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, पैगंबर इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश यानी उनकी जयंती पर दावत इस्लामी इंडिया का एक शोबा जो सामाजिक काम करता है GNRF यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, आज उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल शेगांव शहर में जो लावारिस और फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं और गरीब तबका जो है जो भूखमरी का शिकार है, जिसमें आज पूरी दुनिया जो भूखमरी का शिकार है जिसको हंगर इंडेक्स कहा जाता, हमारा देश भी 94 नंबर पर आता है। तो इसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी काविश दावत इस्लामी की तरफ से ईद मिलादुन नबी के मौके पर यह कि गरीबों तक क्या खाना पहुँचाया जाए, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल खाना पहुँचाया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कबूल फरमाए और आप लोग भी दावत इस्लामी का साथ दें और दावत इस्लामी से वाबस्ता हो, शुक्रिया। आज शेगांव जिला बुलढाणा दावत इस्लामी और ख्वाजा गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज हम खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं पूरे शेगांव शहर में। जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी वगैरह लोग हैं, इस जन्मदिन के अवसर पर हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम पहुँच जाए। और इस जन्मदिन के अवसर पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन दे, शांति दे, भाईचारा दे। शुक्रिया।